बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ टिक्का, जो कि हम तैयार करेंगे बगैर टिक्का मसाले के। घर के मसालों के साथ हम बनाएंगे। टिक्का मसाले के साथ तो बनाया जाता है बहुत आसानी से, हर कोई बनाता है, लेकिन आज हम विदाउट टिक्का मसाला, घर के मसालों से हम बीफ का टिक्का बनाएंगे। टिक्का बोटी हम इसकी बनाएंगे, जिसके लिए हमने 1 किलो बीफ ले लिया है और इस तरह करके हमने काट लिया है उसको। साथ ही हमने लिया है चाइना नमक 1/2 टीस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून, दोनों 1-1 टीस्पून है। साथ ही हमने लिए हैं 4 अदद टमाटर और 3 अदद हमने सब्ज मिर्च ली है, तेज वाली सब्ज मिर्च है, तीखी वाली। 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका। पानी हमने डाला है प्रेशर कुकर में, पानी हमारा उबल चुका है अच्छा खासा। अब हम इसमें डाल देंगे बीफ, बीफ इसमें डाल गया 3 गिलास के जितना हमने पानी डाला है। साथ में हमने डाल दिया लहसुन और डाल दिया नमक, हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई और दूसरी पिसी हुई, सोया सॉस, सिरका, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए, लहसुन भी डाल दिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको हम प्रेशर लगा देंगे। हम इसको मिक्स करके तो 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। आप अपने इलाके के हिसाब से जितना आपका बीफ गलने में टाइम लेता है तो आप उसी हिसाब से टाइम इसका सेट करिएगा। हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे तो हम इसको बंद कर देंगे और प्रेशर हम इसको देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ये हमारा बीफ हमने सॉफ्ट कर लिया है, नरम कर लिया है। हमें भी कोई 30 से 35 मिनट लगे हैं, 25 मिनट में नहीं हुआ तो। लेकिन पानी हमने वही 3 गिलास ही इसमें रखा है, तो आप भी अपने इलाके के हिसाब से जितनी देर आपको लगे इसको गोश्त को नरम करने के लिए उतनी देर आप प्रेशर लगाएं। तो लेकिन गोश्त बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए, हमने भी सॉफ्ट कर लिया है। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें तेल हम डाल रहे हैं 5-6 टेबलस्पून के बराबर हमने तेल डाला है इसमें। साथ ही हमने इसमें डाल देना है टमाटर, टमाटर हमने छिलका उतार के तो इसको काट लिया है। टमाटर हमारा कुछ सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बीफ। थोड़ा सा पानी बच गया था इसमें और ये हमने बीफ इसमें शामिल कर दिया है पूरा। अभी हमने इसको तेज आग रखी हुई है और तेज आग पे ही हम इसको पकने देंगे ताकि जितना भी इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह और टमाटर भी बिल्कुल इसमें पेस्ट बन जाए। दूसरी तरफ हमने साथ ही ये कोयला हमने रखा हुआ है, कोयला हम इसमें गर्म कर रहे हैं, हम इसमें स्मोक भी देंगे कोयले की। ये हमारा पानी ड्राई हो रहा है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अभी हमने जो कोयला एक तरफ गर्म किया है उसको हम इसमें रखेंगे। किसी भी आप एल्यूमिनियम फॉइल में डाल के रख दें या तो आप स्टील की कटोरी के अंदर डाल के रख दें या आपके पास जो भी कुछ चोरी हो आप उसमें किसी भी चीज में डाल के रख सकते हैं।
ये हमने इस कटोरी में डाल के रखा है, प्याली में। थोड़ा सा ऊपर डालेंगे ऑयल और ढांप देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको ढांप देंगे, जब तक इसका अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये तैयार है हमारा मजेदार बीफ टिक्का, जो कि हमने बहुत बगैर उसके टिक्का मसाला के तैयार किया है, लेकिन इसको हमने स्मोक फ्लेवर दिया है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। ईद आ रही है तो ईद पे खासकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।